हाय गाइस, आज का मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि यू नो यस्टरडे मैंने आई सॉ द प्रोमो इन विच विकास गुप्ता इज एंटरिंग द हाउस एज अ मेंटर फॉर सिद्धार्थ शुक्ला फॉर सपोर्टिंग हिम. गुड थिंग, वेरी गुड थिंग. बट प्रोमो में ये भी देखा कि विकास इज एक्यूजिंग आसिम के अंदर ये आशिकी लड़ा रहा है, प्यार कर रहा है, और बाहर तो कोई इसका वेट कर रहा है. तो वो क्या था विकास? आई मीन यू नॉट इवन फ्रेंड्स विद आसिम, यू नॉट इवन फ्रेंड्स विद मी. हाउ डू यू नो अबाउट आसिम्स पर्सनल लाइफ? हाउ? आई मीन मेरे को नहीं पता है. आई मीन मेरे को, मैं इतने, आई हैव गिवन सो मेनी इंटरव्यूज एंड आई हैव सेड आसिम इज सिंगल एंड आउट ऑफ नोवेयर यू गो इन द शो ऑन द नेशनल टेलीविजन. You saying Asim has a girlfriend. I was like, whoa, am I even his elder brother? Or you're the elder brother, जिसको आसिम के बारे में सब पता है. So, all I want to say is why he has done this. Why? I'll tell you why. Because जब वो पहले अंदर गए शो में, उनकी नहीं चल पाई. Because आसिम ने उनकी नहीं चलने दी. Now all he's doing is ट्राइंग के कुछ चीजें मुझे मिलें कि मैं आसिम को डिफेम कर पाऊं, बिकॉज ही इज फ्रेंड्स विद सिद्धार्थ, राइट? एवरीबॉडी नोज दैट. और सबसे बड़ी राइवलरी किसकी चल रही है? आसिम एंड सिद्धार्थ. आई नो विकास वॉन्ट सिद्धार्थ टू गो अप टू विन द शो. आई गेट इट, यू आर फ्रेंड्स विद हिम, यू वॉन्ट, एज अ ब्रदर आई वुड वॉन्ट आसिम टू विन द शो. बट ब्रदर, यू कांट जस्ट स्टूप डाउन सो लो कि यू विल फॉल्सली एक्यूज माई ब्रदर कि ही हैज अ गर्लफ्रेंड इन साइड. वाई? सो दैट बिकॉज, वाई इज ही डूइंग इट? बिकॉज आसिम का क्या एक इमेज है? आसिम का एक इमेज है, ही इज अ स्ट्रॉन्ग गाय, ही इज ट्रूथफुल, ही इज वेरी ब्लंट विद हिज वर्ड्स, ही वोंट फेक अराउंड. और नाउ ही इज प्रपोज टू हिमांशी एंड नाउ विकास डिड वॉज कि ट्राइंग टू गेट समवन एल्स सो दैट आसिम लुक्स बैड. आसिम लुक्स लाइक अ गाय हु ऑलरेडी हैज समवन आउटसाइड बट स्टिल ही इज मेकिंग कनेक्शन इनसाइड फॉर द गेम. ये मेन उनका मुद्दा था ये चीज बोलने का. तो विकास को ये बात कहां से पता चली? आसिम ने तो कभी बताया होगा, ही इज नॉट इवन फ्रेंड्स विद आसिम. मेरे से कभी बात नहीं हुई, आई एम नॉट इवन हिज फ्रेंड. तो कहां से बताया? इंस्टाग्राम खोला, देखा किसी लड़की के साथ फोटो है, बना दिया उसको गर्लफ्रेंड. आसिम की फोटोग्राफ है उसके साथ, लेकिन वी आर फ्रेंड्स, मेरी भी उनके साथ फोटोग्राफ है. सो वी आर ऑल अ ग्रुप, सो वी चिल अराउंड टुगेदर. बट अब एंड आई टॉक टू हर एंड आई वाज लाइक, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? एंड शी ट्वीटेड इन द मॉर्निंग कि दिस इज ऑल फॉल्स एक्यूजेशंस, वी आर जस्ट फ्रेंड्स. सो आई थिंक दैट्स आंसर टू विकास एक्यूजेशन. आई थिंक ऑल ही इज ट्राइंग टू डू इज डिफेम आसिम ताकि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो, बिकॉज आसिम इज अ एलिजिबल कंटेस्टेंट फॉर विनिंग, इज वेरी मच डिजर्विंग कंटेस्टेंट. तो जस्ट ट्राइंग टू रिड्यूस हिज चांसेज ऑफ विनिंग, दैट्स वाई ही इज डूइंग ऑल ऑफ दिस. एंड आई थिंक बहुत फजूल की बात है. आई डोंट थिंक उनके कैलिबर के आदमी को शोभा देता है ये चीजें करना, किसी की पर्सनल लाइफ नेशनल टेलीविजन पे उठाना. वो क्या करना चाहते हैं कि सलमान सर आए वीकेंड पे और आसिम को पूछें कि जो विकास ने बोला सही है, और उनको डांटें? क्योंकि ऑफकोर्स बुरा लगेगा, सलमान सर को भी बुरा लगेगा कि पहले आप हिमांशी को आपने प्रपोज कर दिया, बाहर आपकी गर्लफ्रेंड, ऑफकोर्स. तो ये चीज क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है. एंड आई वॉन्ट यू ऑल गाइज, एंड आई विल मेक श्योर दिस वीडियो गोज टिल द अप, till the colors, till Salman sir, everybody knows that Vikas is lying, nothing else. This is all, whatever he has said, it's false, no confirmation, no proof. All he's trying to do is trying to make Asim look bad, nothing else. That's his main motto. And I'll tell you Vikas, I won't let that happen. हाय गाइस, आज का मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि यू नो यस्टरडे मैंने आई सॉ द प्रोमो इन विच विकास गुप्ता इज एंटरिंग द हाउस एज अ मेंटर फॉर सिद्धार्थ शुक्ला फॉर सपोर्टिंग हिम. गुड थिंग, वेरी गुड थिंग. बट प्रोमो में ये भी देखा कि विकास इज एक्यूजिंग आसिम के अंदर ये आशिकी लड़ा रहा है, प्यार कर रहा है, और बाहर तो कोई इसका वेट कर रहा है.
तो वो क्या था विकास, आई मीन यू नॉट इवन फ्रेंड्स विद आसिम, यू नॉट इवन फ्रेंड्स विद मी, हाउ डू यू नो अबाउट आसिम्स पर्सनल लाइफ, हाउ? आई मीन मेरे को नहीं पता है, आई मीन मेरे को, मैं इतने, आई हैव गिवन सो मेनी इंटरव्यूज एंड आई हैव सेड आसिम इज सिंगल एंड आउट ऑफ नोवेयर यू गो इन द शो ऑन द नेशनल टेलीविजन, यू सेइंग आसिम हैज अ गर्लफ्रेंड. आई वाज लाइक, वो एम आई इवन हिज एल्डर ब्रदर, और यू आर द एल्डर ब्रदर जिसको आसिम के बारे में सब पता है. सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज वाई ही हैज डन दिस, वाई, आई विल टेल यू वाई. बिकॉज जब वो पहले अंदर गए शो में, उनकी नहीं चल पाई बिकॉज आसिम ने उनकी नहीं चलने दी. नाउ ऑल ही इज डूइंग इज ट्राइंग के कुछ चीजें मुझे मिलें कि मैं आसिम को डिफेम कर पाऊं, बिकॉज ही इज फ्रेंड्स विद सिद्धार्थ, राइट? एवरीबॉडी नोज दैट. और सबसे बड़ी राइवलरी किसकी चल रही है? आसिम एंड सिद्धार्थ. आई नो विकास वॉन्ट सिद्धार्थ टू गो अप टू विन द शो, आई गेट इट, यू आर फ्रेंड्स विद हिम, यू वॉन्ट, एज अ ब्रदर आई वुड वॉन्ट आस्क हिम टू विन द शो, बट ब्रदर यू कांट जस्ट स्टूप डाउन सो लो कि यू विल फॉल्सली एक्यूज माई ब्रदर कि ही हैज अ गर्लफ्रेंड इनसाइड. वाई? सो दैट, बिकॉज वाई इज ही डूइंग इट? बिकॉज आसिम का क्या एक इमेज है? आसिम का एक इमेज है, ही इज अ स्ट्रॉन्ग गाय, ही इज ट्रूथफुल, ही इज वेरी ब्लंट विद हिज वर्ड्स, ही वोंट फेक अराउंड. और नाउ ही इज प्रपोज टू हिमांशी एंड नाउ विकास डिड वॉज की ट्राइंग टू गेट समवन एल्स सो दैट आसिम लुक्स बैड. आसिम लुक्स लाइक अ गाय हू ऑलरेडी हैज समवन आउटसाइड बट स्टिल ही इज मेकिंग कनेक्शन इनसाइड फॉर द गेम. ये मेन उनका मुद्दा था ये चीज बोलने का. तो विकास को ये बात कहां से पता चली? आसिम ने तो कभी बताया होगा, ही इज नॉट इवन फ्रेंड्स विद आसिम, मेरे से कभी बात नहीं हुई, आई एम नॉट इवन हिज फ्रेंड. तो कहां से बताया? इंस्टाग्राम खोला, देखा किसी लड़की के साथ फोटो है, बना दिया उसको गर्लफ्रेंड. आसिम की फोटोग्राफ है उसके साथ, लेकिन वी आर फ्रेंड्स, मेरी भी उनके साथ फोटोग्राफ है, सो वी आर ऑल अ ग्रुप, सो वी चिल अराउंड टुगेदर. बट अब And I talked to her and I was like, what the hell is going on? And she tweeted in the morning, ki this is all false accusations, we are just friends. So I think that's answer to Vikas's accusation. I think all he's trying to do is defame Asim, taki unki popularity kam ho, because Asim is a eligible contestant for winning. He's very much a deserving contestant. So just trying to reduce his chances of winning, that's why he's doing all of this. And I think बहुत फजूल की बात है. I don't think उनके caliber के आदमी को शोभा देता है ये चीजें करना, किसी की personal life national television पे उठाना. वो क्या करना चाहते हैं कि सलमान सर आए weekend पे और आसिम को पूछे कि जो विकास ने बोला सही है, और उनको डांटे, क्योंकि ऑफकोर्स बुरा लगेगा, सलमान सर को भी बुरा लगेगा कि पहले आप हिमांशी को आपने प्रपोज कर दिया, बाहर आपकी गर्लफ्रेंड, ऑफकोर्स. तो ये चीज क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है एंड आई वॉन्ट यू ऑल गाइज एंड आई मेक श्योर दिस वीडियो गोज टिल दी अप टिल द कलर्स टिल सलमान सर. एवरीबॉडी नोज दैट विकास इज लाइंग, नथिंग एल्स. दिस इज ऑल वट एवर ही सेड, इट्स फॉल्स, नो कन्फर्मेशन, नो प्रूफ. ऑल ही इज ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू मेक आसिम लुक बैड, नथिंग एल्स. That's his main motto. And I'll tell you, Vikas, I won't let that happen. hi guys. Aaj ka mera ye video banane ka yehi purpose hai ki, you know, yesterday maine, I saw the promo in which Vikas Gupta is entering the house as a mentor for Siddharth Shukla, for supporting him. A good thing, very good thing. But promo mein ye bhi dekha ki विकास इज एक्यूजिंग आसिम के अंदर ये आशिकी लड़ा रहा है, प्यार कर रहा है, और बाहर तो कोई इसका वेट कर रहा है. तो वो क्या था विकास? आई मीन यू नॉट इवन फ्रेंड्स विद आसिम, यू नॉट इवन फ्रेंड्स विद मी, हाउ डू यू नो अबाउट आसिम्स पर्सनल लाइफ, हाउ? आई मीन मेरे को नहीं पता है, आई मीन मेरे को, मैं इतने, आई हैव गिवन सो मेनी इंटरव्यूज and I have said Asim is single and out of nowhere you go in the show on the national television you saying Asim has a girlfriend. I was like, whoa, am I even his elder brother or you're the elder brother jisko Asim ke bare mein sab pata hai?
So, all I want to say is why he has done this. Why? I'll tell you why.